हाय फ्रेंड, कम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज है कितनी तारीख, आज है फ्राइडे 14 जनवरी, और फ्राइडे का दिन है। आज रात के बज रहे हैं 11:30, और भाई व्लॉग एडिट कर रहे थे, तो अभी एडिट करते करते ये जो व्लॉग है आप लोग जो देख रहे हैं, इस मतलब ये वो स्टेज थी जब हम पूरी तरह से थक हार के एकदम परेशान हो गए थे, और उस वक्त हमसे कुछ भी मतलब गाड़ी में हो नहीं पा रहा था, ना हम करवा पा रहे थे। जो मैकेनिक्स थे वो लोग समझ नहीं रहे थे मेरी बात, और जो समझ रहे थे उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि ये इतनी ज़्यादा गहराई से क्यों काम करा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों देखता है, तो उन लोग को ये सब चीज़ें थोड़ी ख़राब लग रही थी। लेकिन अब क्या करें भाई, जब तक के हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है ना, तब तक हम फिर किसी से काम कराते नहीं हैं। तो उनसे काम करा रहे थे जब हसीब भाई से, तो ये हुआ था कि अभी जिस स्टेज पे आप लोग देखेंगे इस वीडियो में, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है। ये 4 मिनट मतलब 4 मिनट बोल रहे थे, तो 4 मिनट हो गया, सॉरी, तो 4 मिनट 36 सेकंड कुछ की इसमें सिनेमेटिक वाला पार्ट आया है। सिनेमेटिक क्या, उसको फास्ट फॉरवर्ड ही आप लोग कह लिए, हाइपरलैप्स। और कैमरा आज बहुत ही बेहुदे तरीके से रखा है, क्योंकि अभी आप लोग जब गाड़ी की ये सीरीज देखेंगे जिसको हम बहुत लेटली अपडेट कर रहे हैं, इसमें क्या है, गाड़ी का इंजन भी अभी खुल चुका है, खुल के बन चुका है, मतलब ये वाला पार्ट काटेंगे। तो मतलब ये है कि गाड़ी एक तरह से एकदम नई हो गई है, जैसे नई गाड़ी आती है उसी तरह है, बस मॉडिफिकेशन, सब काम करा डाला है, कुछ भी नहीं छूटा। और यकीन नहीं मानेंगे, गाड़ी में इतने पैसे लग गए हैं कि बाद में हमें जब रियलाइज हुआ है कि हमने कितने पैसे लगा दिए शौक में, तो आई वॉज शॉक्ड, शॉक में हम शॉक्ड हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि क्या हुआ है, ये पैसे कहाँ से लग गए, क्या हुए, कहाँ गए। लेकिन माशाल्लाह जो गाड़ी का आउटकम आया है वो मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग गाड़ी आई है, और जब सड़क पे चलते हैं तो लोग यार एक बार देखते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, और जो पहचान जाते हैं ना कि स्टनर है, वो भाई ज़रूर से रोक के पूछते हैं कि कैसे तैयार कराई, कहाँ से कराई। और बल्कि तैयार तो हमने कुछ कराई भी नहीं है, मामू ने जो बॉडी किट हमारे बनवा के लगवाई थी वही लगी हुई थी, हमने सिर्फ उसको पेंट कराया है, नया थीम दिया है, और जो इंटरनल रिपेयरिंग थी, जो पार्ट्स उसके अंदर से टूट गए थे, जो नक्के टूट गए थे, वो सब हमने सिर्फ और सिर्फ बनाए हैं, और कुछ नहीं भाई। सुबह से एकदम थक गए, छुट्टियां चल रही, लेकिन स्कूल जाना पड़ता है परेड की प्रैक्टिस में, और ना मुंह धोया ना कुछ, ऐसे ही लेटे व्लॉग एडिट कर रहे थे और उठ के वीडियो बनाने लग गए। अब ट्राईपॉड जो है वो काशिफ भाई की दुकान पे पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, वहाँ काम करा रहे थे, काम कराते कराते ट्राईपॉड ले गए थे, बैठे थे, लगा हुआ था, फिर वो वहीं छोड़ दिया था हमने, क्योंकि गाड़ी पे स्टेनर पे लेके आ नहीं पाते हैं, और वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इतनी कैजुअली शायद ही हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पे। तो हम ये कह रहे थे कि गाड़ी का जो मतलब काम है इसको आप लोग अप्रिशिएट करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और ना करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि चैनल ये जो है इसमें कुछ भी ऑफिशियली नहीं है, शौक के बेसिस पे आता है इसमें सब कुछ, और कुछ नहीं आता है, ओनली शौक। बस हमें एक शौक है कि हाँ हमने जो अपना काम कराया है हम उसको अपलोड कर सकें। और बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि भाई ये बहुत स्लो मोशन में बोलता है, तो हाँ मेरी आदत पड़ गई है गाड़ी में काम कराते कराते, जब समझाना होता था जो कारीगर होते थे उन सब लोगों को, तो भाई समझाते समझाते हम पागल हो गए, पूरे पागल हो गए भाई। गाड़ी में काम कराते कराते एकदम मतलब जब गाड़ी मेरी तैयार हो रही थी तो अंधाधुन हमने काम कराया है, उस वक्त हमने कुछ भी नहीं देखा है। और लिटरली आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि हमने उसी वक्त फ़ोन लिया था, नया फ़ोन था, 128 GB वेरियंट था, और भाई 8 GB बचा है सिर्फ। अब हम व्लॉग्स एडिट करके सब कुछ डिलीट कर रहे हैं, और मतलब अब सब ट्रांसफ़र करना है, व्लॉग आप लोग के पास टाइम टू टाइम आ नहीं रहे, और अभी तो चैनल पे जितने भी लोग हैं वो सब घर के ही लोग हैं, जान पहचान वाले जो हैं खास लोग, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो 1-2 सब्सक्राइबर उसमें आए थे भाई, उन्होंने सब्सक्राइब किया, उसके बाद बोले कि हाँ हमें वो स्टनर है मॉडिफाई करना है, 1-2 कमेंट शायद पड़े हैं, हमने ध्यान दिया नहीं था इतना,
तो अब उन्होंने भाई अनसब्सक्राइब कर दिया, चले गए छोड़ के, कि ये भाई कर नहीं रहा है, इसने बनवाई नहीं होगी, इसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। लेकिन गाड़ी अभी तक के यूट्यूब पे नहीं रिवील करी है। जिन लोगों ने असलियत में देखी है वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाड़ी कैसी लगी। गाड़ी को तैयार हुए सितंबर के बाद, अक्टूबर, अक्टूबर में, हाँ सितंबर के लास्ट वीक में गाड़ी तैयार हो गई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी जनवरी चल रहा है, 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं और गाड़ी एकदम वैसी की वैसी है, एक भी स्क्रैच नहीं है, सोल मार्क्स कोई नहीं आए, क्योंकि भाई मेंटेन बहुत कायदे से की जा रही है। और एग्जॉस्ट का भी काम कराया है भाई, एग्जॉस्ट इतना ताबड़तोड़ है ना, मजे आ जाते हैं, वीडियो में नहीं पता चलता है, लेकिन एग्जॉस्ट जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो वो जो हैवी बेस वाली आवाज होती है ना, वुम वुम वाली, वो आवाज आ रही है, मजा आ गया। हाँ ये है कि एग्जॉस्ट के बाद, जैसे जब एग्जॉस्ट नहीं था तो मतलब एवरेज उतना ही आ रहा था, 35 कुछ का, 30 to 35 के बीच में गाड़ी एवरेज दे रही थी, और एग्जॉस्ट लगवाने के बाद भी उतना ही दे रही थी, लेकिन एग्जॉस्ट लगवाने के बाद स्ट्रेट पाइप हो गया था, तो भाई पिकअप इतना बढ़िया था ना कि मजा आ जा रहा था। अब लेकिन जब इंजन का काम हो गया है, आप लोग को जैसा मैंने बताया, ये पार्ट काट दिया था, फिर काट देंगे, बार बार बोल दे रहे हैं। सो गाइज, हमने कुछ पार्ट काटा है, वो गलत बोल दिया था, उतनी चीज आप लोग को नहीं रिवील करनी थी, अब वो आगे रिवील करेंगे। तो मेरा सिंपली यही कहना था कि यार वीडियो इतनी छोटी हो रही थी, उसमें कुछ था नहीं देखने के लिए, तो हमने ये पार्ट बनाया है, ये मीनिंगफुल हो चाहे ना हो, इसका कोई मतलब आए चाहे ना आए, बस ऐसे ही बना दिया है ये पार्ट, इसको ऐड कर देंगे। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो, जिन्होंने नए हो वो सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना इसको ना भूलें, जो भी शौकीन है बाइक के वो शेयर कर लें। और अगर यकीन माने आप लोग को, मैं जब आखिर में इस गाड़ी की प्राइसिंग बताऊंगा कि कितना काम में कितने पैसे लगे हैं, वो गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन के हिसाब से भाई बहुत कम में निपट गई है। अगर इतने में कोई भी गाड़ी तैयार करा के दिखा देगा तो गारंटी दे रहे हैं, अगर यही क्वालिटी यही मटेरियल हुआ, सब कुछ ओरिजिनल होंडा का जेन्युइन लगाया है मैंने, और जो पेंट है वो ए ग्रेड का है, उस पर मेटेलिक पर्ल कोट पूरा क्लियर में पड़ा है, सब कुछ हुआ है, इस तरह अगर कोई तैयार करा दे भाई, चैलेंज दे रहे हैं खुला, गाड़ी हम अपनी उसके नाम कर दें, करा ही नहीं पाएगा, इसीलिए हम करेंगे नहीं भाई। और अगर करा भी ले तो ठीक है भाई, करा लिया जाओ, करा लिया तो करा लिया, हमने अपनी तैयार करा ली, ओनली वन इन इंडिया है, हो सकता है ओनली वन इन वर्ल्ड हो, क्योंकि बाहर यूरोप वगैरह में भी जब 2010-11 में ये गाड़ियां लॉन्च करी गई थी, CBF स्टेनर वहीं से आई थी इंडिया में, तो वहां भी भाई किसी ने बॉडी किट वेट का नहीं कराया होगा, बॉडी किट का तो हमें भी नहीं मालूम था, मामू ने ऐसा करा दिया, अनोखा काम था, पहली बार देखा था। और भाई छोटे से थे तभी से हमें इतनी पसंद थी ये गाड़ी, कि डिसाइड कर रखा था कि ये गाड़ी बिकने नहीं देंगे, इसको अभी भी बेचेंगे नहीं, 2 साल बाद इसका रोड टर्म खत्म हो रहा है, जितने लोगों ने देखा गाड़ी, सबने अप्रिशिएट करी, सब करा, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत गलत किया, इस गाड़ी में पैसे लगाने वाले नहीं थे। ठीक है भाई, शौक था, लगा दिए, अब गाड़ी एकदम बढ़िया तैयार हो गई है, रोड टर्म खत्म हो गया, तो क्या हुआ, गाड़ी जब तक चालू रहेगी चलाएंगे, नहीं है पेपर देखा जाएगा, बाकी ज्यादा दिक्कत हो गई अगर कुछ गाड़ी इंटीन मतलब अंदर से खराबी आने
फाइनली गाइज अभी हम लोग आ गए हैं हसीब भाई के पास, अभी ये करवाने आए हैं। ये स्कैनर की लाइट है, ये रखी हुई है, उसमें मास्किंग करा ली है। बीच का जो सेंटर वाला है वो गोल रखा है, बाकी उसको मतलब उसने में लाइट जलेगी, बाकी जितना होगा वो ब्लैक। मीटर यहीं रखा हुआ है ये, लेकिन ये मीटर पेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि मीटर पर पेंट टिकेगा नहीं। तुमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मीटर जैसा है उसको वैसे ही चलाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। अगर रहीम कुछ ग्राफिक्स का कर पाएंगे मीटर पे तो उनसे कह देंगे कर दें, नहीं हो पाएगा तो कोई बात ही नहीं, जैसा चल रहा है चलने देंगे। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ना किया आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और बेल की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कम वीडियोस अपलोड होती हैं और नोटिफिकेशंस आपको एकदम भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लोग गाड़ी के शौकीन हैं उनके साथ मेरी ये प्लेलिस्ट हम पूरी बना देंगे, चाहे आप लोग प्लेलिस्ट शेयर कर दिए, चाहे हम जो व्लॉग्स अपलोड करते हैं उसको ही शेयर कर दिया करिए पार्ट बाय पार्ट। तो इसी के साथ फाइनली करते हैं वीडियो एंड, एक बार फिर से कहेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, टिल देन कीप वॉचिंग एंड